मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रेशर आता है तो समझते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है या इसको किस तरह हैंडल करेंगे, बैटिंग को और कैप्टनसी को साथ लेके चलें? देखें, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोशिश यही करता हूँ कि जब बैटिंग करने जाता हूँ तो बैटिंग पे फोकस करूँ और जब फील्डिंग होती है तो कैप्टन पे फोकस करता हूँ। देखें, छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं, लेकिन उससे जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ही जल्दी आप लर्न करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहा हूँ चीज़ें काफ़ी, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है। और यही है कि जितना आप लड़कों को बैक करेंगे, जितना ऑन फील्ड आप क्विक डिसीजन लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास 7 T20 मैचेस थे, अगर उनकी मजबूत टीम आती यहाँ पे तो हमें तैयारी का एक अच्छा मौका मिलता। हाँ बिल्कुल, अगर उनकी मेन टीम आती तो ज़्यादा मज़ा आता, लोग भी इंजॉय करते और क्रिकेट अच्छी देखने को मिलती। लेकिन जो भी टीम आ रही है हम उसके साथ वैसे ही खेलेंगे जिस तरह हम मेन टीम के साथ खेलते हैं, और उनकी ये भी टीम बहुत अच्छी टीम है और अच्छे प्लेयर्स हैं, सीजन प्लेयर्स हैं, और हमारी आपके सामने प्रिपरेशन देख लें, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे यही होगा कि जिस तरह हमारी थ्रू आउट द सीरीज हम खेलते आ रहे हैं T20, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। और देखें, ये टीम आई है यहाँ पे खेलेगी, लेकिन उसके बाद एक साल बाद 12 महीने बाद उनकी उनके साथ टेस्ट मैच भी यही सीरीज़ है, और मैं होपफुली हूँ कि उनकी मेन टीम आए। देखें, अभी मेरे ख्याल से वनडे की टीम अनाउंस हुई है और उस पर ही बात करूंगा। और जिस तरह हमारा मिडल ऑर्डर, बिल्कुल हम उस पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो प्लेयर्स डाले हैं वो काफ़ी सीजन प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान टीम में आपको रहने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है कंसिस्टेंटली, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो सबको शो करवाएं अपना और टीम में जगह बनाएं। और जिस तरह जी बिल्कुल रमेश भाई से बात हुई है और पॉजिटिव बात हुई है, और जो उनका माइंडसेट है उन्होंने हमें बताया, तो इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे और उसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से प्रेशर हमारे पे नहीं है, उन पे जिस तरह हमारी सीरीज थ्रू आउट चलती आ रही है, प्रिपरेशन हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है, और वर्ल्ड कप से जाने से पहले हमारे 7 मैच हैं, और एज अ टीम ग्रुप वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, फिर उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, तो एक ग्रुप वो मेरे ख्याल से काफ़ी देर पहले उन्होंने T20 खेला था, तो अब जाके वो उसके बाद जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके बाद वो वर्ल्ड कप में आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ उनको लैग करेगी। और प्रिपरेशन के हिसाब से बिल्कुल हम अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप में हर टीम जीतने के लिए जाती है, और हम भी यही माइंडसेट और हमारा जो गोल है ये है कि हम जीतने जाएंगे, प्रिपरेशन के लिए हम रेडी रहेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह हमारी मजीद जो ये T20 सीरीज़ है उसको हम पूरे कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और उसके साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे, और जो हमारा मैच है ऑन द डे आपको उसका मैं अभी नहीं बता सकता, और कोशिश हम यही करेंगे कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें। बाबर, मेरा सवाल ये है, और वन डाउन कौन आएगा? क्या आप वन डाउन आएंगे और शर्जील और रिजवान या फखर में से कोई ओपनिंग करेगा, उसके हवाले से बता? हाँ देखें, अभी T20 के लिए हम बैठेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, और जो मेरे ख्याल से थ्रू आउट जो हम हमारी ओपनिंग स्लॉट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही है, और उसको ही हम कोशिश करेंगे। अभी डिबेट होगी, बैठेंगे बात करेंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि जो टीम के लिए बेस्ट हो वो उसको हम लेके चलें और वो उसको ही कैरी ऑन करें न्यूजीलैंड सीरीज से। बाबर, देखें, मेरे ख्याल से 20 करोड़ की आवाम है और उसमें से 20 प्लेयर सिलेक्ट होने होते हैं और 11 उसके बाद खेलने होते हैं, तो मेरे ख्याल से हर एक को खुश नहीं किया जा सकता। जो पॉसिबल होता है, जो टीम को सामने रखते हुए हमें जो बेस्ट लगता है, हम वो डिसीजन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट हो वो उसी को हम ले कर चलें। और जिस तरह टीम अनाउंस हुई है, हमारा फोकस यही है कि ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और फोकस करेंगे वनडे की जो सीरीज़ है हमारी। और मिडिल ऑर्डर का बिल्कुल थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बात फिर मैंने रिपीट करूंगा कि हम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि उनको अगेन मौका मिल रहा है और वो शो ऑफ कराएं और अच्छे परफॉर्मेंस करें और टीम में जगह बने। सर सरफराज की अब मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर सकता, वो मेरे ख्याल से चीफ सेलेक्टर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
माइंड में है अभी, क्योंकि है तो बहुत अर्ली अभी। देखें जिसने आपने बात की, यूएई हमारा मोस्टली होम ग्राउंड था और उधर हमने काफ़ी मैचेस खेले हैं, 31 मैचेस खेले हैं और 21 T20s जीते हैं, तो वो हमें काफ़ी चीज़ें सूट करती हैं। और देखें वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ प्रेशर होता है, लेकिन हम प्रिपरेशन हमारी 100% है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो हमारा प्लान है, जो हमने एक चीज़ फोकस की हुई है, उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। और हम यही बिलीव करते हैं कि जितना हम 100% देंगे, जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में आएंगे। हाँ देखें इंजॉय करते हैं, कोशिश करते हैं कि बिल पहली बात तो सुने ना, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि यार अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का हम बोल नहीं सकते कि वो ये ना बोलें या वो ना बोलें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है कि उसको हम परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें और टीम में जो बेस्ट हो वो अप्लाई करें, और बाहर की चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि बाहर ही रहे। बाबर प्रेशर आता है तो समझते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है या इसको किस तरह हैंडल करेंगे, बैटिंग को और कैप्टनसी को साथ लेके चले? देखें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोशिश यही करता हूं कि जब बैटिंग करने जाता हूं तो बैटिंग पे फोकस करूं और जब फील्डिंग होती है तो कैप्टन पे फोकस करता हूं। देखें छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती हैं, लेकिन उससे जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ही जल्दी आप लर्न करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहा हूं चीज़ें काफ़ी, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है। और यही है कि जितना आप लड़कों को बैक करेंगे, जितना ऑन फील्ड आप क्विक डिसीजन लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। थैंक यू वेरी मच।